बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दफ्तर में काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तकरीबन एक महीने बाद दफ्तर में आए हैं। वो इस वजह से था कि रेट बहुत ऊपर नीचे हो रहे थे, बल्कि बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे रेट। डॉलर बहुत ऊपर चला गया था, इसलिए रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। तो मार्केट में काम करना बहुत कोई एक अजाब बन गया था हर एक बंदे के लिए। इंपोर्टर और कंपनियां बहुत परेशान थीं कि जो है ना, कि ये कैसे रेट नीचे आएंगे और कैसे काम होगा। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी थी जो जिन्होंने बुकिंग की हुई थी। बुकिंग वाले तो बिल्कुल मारे गए थे ना, क्योंकि रेट पीछे बहुत ज़्यादा हो गए थे। 150 का फ़र्क होता ना, चल बंदा मैनेज उसको कर लेता है। ये तो रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे, 150 वाली बात ही नहीं रह गई थी। ये तकरीबन 1000-1000 रुपये पर प्रोडक्ट ऊपर चले जाना था, ये मार्केट के लिए बड़ा लम्हा फिक्री है। हमारे सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं और दरमियान में आवाम पिस रही है बिल्कुल। तो ये बहुत जो है ना, हमारे लिए एक खौफनाक बात है। अब जिन्होंने सेल ऑफिसर रखे हुए थे, जिनके एक्सपेंसेस जो है ना, एक सेल ऑफिसर के 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख तक हैं, तो वो कंपनियां तो बिल्कुल नीचे जा रही थी। तो माल आगे बिकता नहीं था, तो अभी भी वैसे रूटीन है, लेकिन एक मार्केट में थोड़ी सी खुशखबरी है, वो मैं आपको बता दूं। इसको हम खुशखबरी तो नहीं कह सकते, हम इसको ये कहेंगे कि ये अब हमारा थोड़ा सा काम चल सकता है। इसमें जो रेट ज़्यादा हुए थे, उसमें जो कुछ प्रोडक्ट के रेट कम हुए हैं, जो आगे सीज़न चलने वाले हैं, वो उन रेटों के आपको मैं कुछ रेट्स बता दूं। इसमें लैम्डा थोड़ा सा नीचे है, दूसरा गैंग भी थोड़ा सा नीचे है, तकरीबन 300-300 रुपये का फ़र्क पड़ा है इसको। एमएमएक्टन में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है, मेरे पास तमाम कंपनियों के रेट्स हैं। लिफुरान में तकरीबन 100 रुपये नीचे आया आज। सल्फ़र का तकरीबन 30 रुपये पर केजी नीचे आया। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जिससे तमाम प्रोडक्ट एनपीके, ह्यूमिक एसिड और पोटाश वगैरह, जैसे ये है एनपीके 886 है, एनपीके 2020 है, इसके साथ ये प्रोडक्ट बनते हैं, ये इनका रॉ मटेरियल है, उसका रेट नीचे आया। इसके फर्टिलाइज़र के रेट नीचे जाएंगे इंशाल्लाह। सीगा पेस्ट क्लियर का रेट नीचे आया है 100 रुपये। अब उम्मीद है कि मार्केट चल पड़ेगी, काम शाम चल पड़ेगा, और प्रोडक्ट भी पीछे एलसी खुल गई है, तो इंशाल्लाह अब दुआ करें कि ये दोबारा इस तरह ना हो। अगर दोबारा इस तरह एलसी वगैरह बंद हुई, तो तमाम चीज़ें जो है ना बंद हो सकती हैं, प्रोडक्ट भी बंद हो सकता है, और प्रोडक्ट इससे भी कई हिस्से ज़्यादा जो है ना महंगा हो जाएगा। ये थी आज की अपडेट। तो इंशाल्लाह पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, आपको तमाम चीज़ों की अपडेट देता रहूँगा इंशाल्लाह। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो खुदा हाफिज़।